To Crystal International Public School, this is standard eighth subject social science, and we were studying chapter number three, nationalism in India. In previous lecture, we studied about Subhash Chandra Bose, so let us revise once because now we will study Ajad Hind Forge and Subhash Chandra Bose was the main person. इन आजाद हिंद फौज सो लेटर्स रिवाइज अबाउट हिम सुभाष चंद्र बोस जो थे उनका बर्थ ट्वेंटी थर्ड जनवरी 1897 नाइन्टी सेवन कटक उड़ीसा में हुआ था और उनके मदर प्रभावती एंड फादर जानकीनाथ बोस थे उन्होंने आईसीएस की एग्जाम पास की थी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए वो इलेवन टाइम्स जेल भी गए हैं एंड हरिपुरा सेशन जो कांग्रेस का हुआ 1938 में उसमें वो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने आफ्टर दैट सेकेंड टाइम त्रिपुरा सेशन जो 1939 में हुआ उसमें प्रेसिडेंट uh, बने देन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उनके लीडर और सुभाष चंद्र बोस की जो ओपिनियन जो थिंकिंग थी उसमें डिफरेंसेस थे एंड बिकॉज ऑफ़ दैट उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की सुभाष चंद्र बोस एंड उनके फॉलोवर जो थे उनको अरेस्ट किया गया इम्प्रिज़न किया गया एंड जब उनको इम्प्रिज़न किया मतलब जेल के अंदर बंद किया तब सुभाष चंद्र बोस जो है वो हंगर स्ट्राइक पर चले गए हंगर स्ट्राइक मतलब कि वो कुछ भी नहीं खाएंगे और इसकी वजह से अगर सपोज़ हम एक टाइम नहीं खाते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है बट कंटिन्यूसली वन डे ना खाओ सेकेंड डे भी ना खाओ कुछ भी ना खाओ जनरली हम फास्टिंग भी करते हैं तो फरार जैसा मतलब कुछ ना कुछ फ्रूट है फ्रूट जूस है समथिंग जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे वो हम खाते हैं बट स्ट्राइक मीन्स कुछ भी नहीं खाने का सो बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो हेल्थ है वो डिट्रीरोट uh, होने लगी उनकी हेल्थ बिगड़ने लगी एंड उसकी वजह से गवर्नमेंट को उनको फ्री करना पड़ा सो so, उनको जेल से तो निकाला बट हाउस अरेस्ट करा मतलब घर के अंदर ही बंद कर दिया लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो सेवनटीन जनवरी 1941 को हाउस अरेस्ट से अपने आप को पठान के बेस में डिस्कस किया मतलब कि पठान बने और फिर वो पेशावर होकर बर्लिन काबुल एंड मॉस्को पहुँचे बर्लिन के रेडियो पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी स्पीच सुनी तो वो शौक हो गए कि जिनको हमने हाउस अरेस्ट किया था वो बर्लिन पहुँचे कैसे वहाँ से वो जापान पहुँचे सुमात्रा होकर एंड जर्मनी एंड जापान दोनों इंग्लैंड के अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स देवर रूलिंग ओवर मतलब इंग्लैंड वो लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइमिंग था उसमें जापान एंड जर्मनी दोनों इंग्लैंड के अगेंस्ट थे जिसका एडवांटेज सुभाष चंद्र बोस ने लिया एज आई टोल्ड यू उन्होंने अडोल्फ हिटलर जो जर्मन लीडर थे एंड जापान के प्राइम मिनिस्टर तोजो दोनों से बातचीत की अब जापान जो है वो हमारे नज़दीक है चाइना के पास में तो वो एशियन कंट्री है मतलब हमारे ही कंटिनेंट में है तो वो बेटर पोजीशन में था हमें हेल्प करने के लिए क्योंकि अगर हमको हेल्प चाहिए तो हमारा कोई रिलेटिव आए उससे पहले हमारे नेबर्स आ जाते क्यों बिकॉज़ वो पास में है द सेम वे जापान जो है जर्मनी से हमारे ज़्यादा क्लोज है एशियन कंटिनेंट में अ, कंटिनेंट की ही कंट्री है दैट्स वाई जापान जो है वो बेटर पोजीशन में था हमें हेल्प करने के लिए ओके okay, नाउ आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के एज अ चीफ सुभाष चंद्र बोस क्या एक ओवरव्यू वापस हमने ले लिया बिकॉज़ वो इंटरकनेक्टेड है ओके सो एन इंडियन सोल्जर फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी कैप्टन मोहन सिंह फॉर्म्ड आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर वू हैड सरेंडर टू जापान एज़ वॉर प्रिजनर इंडियन सोल्जर जो था जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर वर्क कर रहा था बिकॉज़ ब्रिटिश आर्मी में हमारे बहुत सारे इंडियन थे इवन ब्रिटिश ऑफिसिस में भी हमारे कुछ मेम्बर्स थे जो वहाँ पर एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव और एज अदर ऑफिसर वर्क करते थे सो इंडियन सोल्जर जो ब्रिटिश आर्मी में थे कैप्टन मोहन सिंह उन्होंने आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया ऐसे सोल्जर्स की हेल्प से जिन्होंने जापान को सरेंडेड किया था एज वॉर प्रिजनर ओके ड्यू टू डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन जापानीज गवर्नमेंट एंड रास बिहारी बोस मोहन सिंह हैड टू रिजाइन अब जापान ने सपोर्ट करने का बोला था तो इंडियन सोल्जर जिन्होंने जापान को एज अ वॉर प्रिजनर सरेंडेड किया था बट जब ओपिनियन मीन्स के जब वो लोग बातचीत करते हैं कुछ डिसीजन लेने और ऐसे टाइम पर दो जन के बीच में उनके आइडियाज़ उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो जैपनीज गवर्नमेंट एंड रास बिहारी बोस मोहन सिंह जो है सॉरी रास बिहारी बोस के बीच में ओपिनियन के डिफरेंस हुए आइडियाज़ में चेंजेस आए उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उस टाइम पर मोहन सिंह जो है उनको रिज़ाइन करना पड़ा मतलब अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी द फ्यूचर ऑफ आज़ाद हिंद फौज बिकेम ब्लर्ड ब्लर्ड आप लोग जानते हो पता है ना मोबाइल के अंदर हम लोग सेटिंग करते हैं जब फोटो लेते हैं तो कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाए सो द सेम वे हियर जो मेन पर्सन जिसने फॉर्म किया था जब वो ही नहीं रहा तो क्या होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट आज़ाद हिंद फौज का जो फ्यूचर था वो ब्लर हो गया मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि पता नहीं अब पार्टी आगे चलेगी कि नहीं चलेगी वो फौज रहेगी नहीं रहेगी विथ अ जनरल कंसेंट रास बिहारी बोस अपॉइंटेड सुभाष चंद्र बोस एज अ चीफ ऑफ आजाद हिंद फौज ऑन फोर्थ जुलाई नाइनटीन थ्री जनरल कंसेंट मतलब बाकी सब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बातचीत करने के बाद रास बिहारी बोस जो थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज के एज अ चीफ अपॉइंट किया कब किया सो so, फोर्थ जुलाई नाइन्टीन फोर्टी थ्री और उसके बाद उनको ऑनररी टाइटल दिया गया ऑनररी टाइटल मतलब लोगों ने उनको ऐसा नेम दिया नेताजी नेताजी का मतलब होता है लीडर सो नाइन्टीन फोर्टी में प्रेसिडेंट बनने के बाद चीफ बनने के बाद उनको टाइटल मिला नेताजी का एंड ही गेव स्लोगन चलो दिल्ली एंड जय हिंद चलो दिल्ली मीन्स के चलो दिल्ली हम लोग दिल्ली चलेंगे हमारी गवर्नमेंट हमारे हाथों में होनी चाहिए एंड जय हिंद टू द फौज एंड द नेशन नॉट ओनली द आज़ाद हिंद फौज बट टू द नेशन ऑल्सो ही टूड द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड अपील्ड द इंडियंस लिविंग देयर टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री वो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर टूर किया मतलब वहाँ पर घूमे सब जगह पर और वहाँ पर जो हमारे इंडियन रहते थे कुछ इंडियन पीपल यहाँ से अब्रॉड में जाकर भी रहते थे तभी तो फॉरेन कंट्री में हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग जो इसको होस्ट किया गया था और मैडम भिखाई जी कामे ने किया था जो हम लोग जानते हैं और हम पढ़ भी चुके हैं और आगे पढ़ेंगे भी सो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री से वहाँ पर उन्होंने टूर किया और वहाँ पर जो इंडियन पीपल रहते थे उनको अपील की कि वो इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए मींस के अपनी कंट्री के फ्रीडम के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दे। सेड टू पीपल यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम उन्होंने लोगों से कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यू गिव मी ब्लड तुम मुझे खून दो एंड आई विल गिव यू फ्रीडम और मैं तुम्हें आज़ादी बिकॉज बिना ब्लड के फ्रीडम मिलना पॉसिबल नहीं है खून बहाए बिना आज़ादी नहीं मिलती अगर हम ये माने कि सिर्फ नॉन वायलेंस से फ्रीडम आई थी तो नो हमारे बहुत सारे लीडर्स हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था हमने वायलेंस नहीं किया था बट सामने से तो हुआ था और बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ अपनी प्रॉपर्टी अपनी फैमिली सब कुछ सेक्रीफाइस किया था और ये स्लोगन जो है उसने फ्रीडम स्ट्रगल को एक न्यू इमटस इमटस मीन्स कि एक न्यू एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि लोग उसके लिए रेडी होने लगे नाउ सुभाष चंद्र बोस एंड कॉमरेड्स ऑफ आजाद हिंद फौज यहाँ पर आप देख सकते हो सुभाष चंद्र बोस है एंड जो कॉमरेड्स मतलब आजाद हिंद फौज के जो अदर मेंबर्स थे वो भी है ओके okay, नाउ नेक्स्ट इज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस एस्टेब्लिश द आरजी हुकूमत आजाद हिंद एक्टिंग गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया उन्होंने एस्टैब्लिश किया सिंगापुर के अंदर आर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद जिसका इंग्लिश मीनिंग हीर इट इज़ गिवन एक्टिंग गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया मतलब कि इंडिया को फ्री करने की जो आ, एक्ट है वो कंटिन्यू है इंडिया की न्यू फ्री गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होनी चाहिए एंड फॉर दैट इट वॉज एस्टैब्लिस्ड इन सिंगापुर इन अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी थ्री ही टूक चार्ज एज द चीफ ऑफ द आर्मी यू कैन सी हियर के फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चाइल्डहुड से ही उनके अंदर फ्रीडम के लिए एक विश तो थी बट स्लोली स्लोली वो जैसे जैसे बड़े होते गए रिवोल्यूशनरी बनते गए और कई जगहों पर वो प्रेसिडेंट भी बने हैं एंड चीफ भी बने हैं दिस गवर्नमेंट डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अमेरिका जो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की गई एस्टेब्लिश की गई गवर्नमेंट उसने इंग्लैंड एंड अमेरिका पर वॉर डिक्लेयर किया था नाउ आज़ाद हिंद फौज का क्या रोल था सो so, आज़ाद हिंद फौज वॉज़ रीऑर्गेनाइज बाई सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही बिकेम द चीफ ऑफ द आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद हम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो थे उनसे पहले मोहन सिंह थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज को फॉर्म किया था लेकिन ओपिनियन के डिफरेंस की वजह से जैपनीज़ गवर्नमेंट एंड रास बिहारी बोस जो थे उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए और उसकी वजह से मोहन सिंह को रिज़ाइन करना पड़ा और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को चीफ बनाया गया उसके बाद राइट नाउ वी हैव स्टडीड दैट इन अक्टूबर 1943 जुलाई में उनको चीफ बनाया गया और अक्टूबर में उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है उसको एस्टेब्लिश किया आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद एस्टेब्लिश किया और उसको एस्टेब्लिश करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज को रीऑर्गेनाइज किया एक बार तो उन्होंने बनाया था इन्होंने वापस उसको ऑर्गेनाइज़ किया दैट इट इज़ कॉल्ड रीऑर्गेनाइज़ प्रॉपर ट्रेनिंग वॉज गिवन टू दोल्जर एंड द आज़ाद हिंदिड इन टू वेरियस बटालियंस <coughs> बटालियंस आप लोग जानते ही हो आर्मी के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं वो ग्रुप के अंदर डिवाइडेड होते हैं और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई जो ट्रेनिंग की जरूरत थी एज अ आर्मी सोल्जर जो ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए कोई भी सोल्जर नहीं बन सकता है आर्मी ऑफिसर या आर्मी सोल्जर बनना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हर किसी के बस की बात नहीं है कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सिलेक्शन में ही फेल हो जाते हैं कुछ लोग सिलेक्शन में पास हो जाते हैं ट्रेनिंग राउंड के अंदर फेल हो जाते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पर खुद ही थक कर ना बोल देते हैं वेरी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग इज देर बट यहाँ पर पीपल को जो सोल्जर्स थे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई एंड आफ्टर दैट आज़ाद हिंद फौज जो थी मतलब जो आर्मी थी उसको वेरियस बटालियंस में डिवाइड किया गया नाउ थिंक्स टू नो आज़ाद हिंद फौज वाज डिवाइडेड इनटू फोर मेन बटालियन बाय सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज जो थी उसको फोर बटालियन में डिवाइड किया सुभाष चंद्र बोस ने और उनको अलग अलग नेम दिए एक था गांधी दूसरा था सुभाष तीसरा था नेहरू एंड फोर्थ वन आज़ाद ऐसे अलग अलग नेम उनको दिए गए आज़ाद हिंद फौज के जो फोर बटालियन थी उनको गांधी सुभाष नेहरू एंड आज़ाद सो so वी कैन सी कि उन लोगों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि बटालियन को भी उनका नेम दिया गया है अ स्पेशल एंड सेपरेट बटालियन नेम्ड झांसी की रानी कंस्टिट्यूट ओनली ऑफ फीमेल एंड वॉज लेड बाई कैप्टन लक्ष्मी सैगर अब रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनके बारे में हम सब लोग अवेयर हैं कि उन्होंने 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें कितना एक्टिवली पार्ट लिया था अपना जो डॉप्टेड सन था उसको घर पर नहीं छोड़ा बट उसको अपनी बैग पर टाई करके भी वो लड़ी थी इसलिए आज भी हम लोग उनको जानते हैं कहीं पर भी ब्रेवरी की बात आती है तो सबसे पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नेम आता ही है जिनका रियल नेम मनी करने का था वो झांसी जो प्लेस है झांसी किंगडम वहां की क्वीन थी उनके हस्बैंड की डेथ के बाद जब उसे कैप्चर करने के लिए उसके ऊपर अटैक किया गया तब उन्होंने ही अपने प्रोविंस को अपने किंगडम को बचाया था और 1857 के रिवोल्ट में एक्टिवली पार्ट भी लिया था लेडी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या किसी से भी डरी नहीं थी हियर आर ऑल्सो वन लेडी हुज नेम वॉज लक्ष्मी सैगल शी बिकम द कैप्टन एंड उन्होंने एक सेपरेट मतलब फिफ्थ बटालियन जो है वो बटालियन उन्होंने फॉर्म की ये जो फा, फोर बटालियन है वो तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को डिवाइड किया था बट उसके अलावा एक और बटालियन रेडी हो रही थी जिसमें ओनली एंड ओनली फीमेल्स थी सो वी कैन ऑब्जर्व एंड वी कैन सी दैट फीमेल जो है वो भी इस फील्ड में भी पीछे नहीं रही आज के टाइम में मॉडर्न टाइमिंग में तो हम लोग देख ही रहे कि फीमेल्स सारे फील्ड में आगे है इवन हमारे क्लास के अंदर भी ऐसा होता है कि मोस्टली जितने भी क्लास है उसमें फर्स्ट रैंक पर ज्यादातर नॉट ऑल बट ज्यादातर गर्ल का फर्स्ट नंबर होता है फर्स्ट रैंक पर ओनली गर्ल्स होती है बट नॉट ओनली इन स्टडी और हाउस होल्ड वर्क बट वी कैन सी के फाइट में भी फ्रीडम मूवमेंट में भी फीमेल जो थी उनका उतना ही कंट्रीब्यूशन था नाउ आजाद हिंद फौज सिक्योर्ड विक्ट्री एट वेरियस फ्रंट इन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया लाइक आरकान एंड इम्फाल आज़ाद हिंद फौज जो थी उसने विक्टोरी सिक्योर की विक्ट्री का मतलब होता है विन होना जीतना तो सिक्योर की मतलब कि वो जीत कर आए वेरियस फ्रंट्स इन ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया की जो ईस्टर्न बॉर्डर है इंडिया का मैप हमने देखा ही है ईस्टर्न बॉर्डर हम लोग जानते हैं सो ईस्टर्न बॉर्डर जो है वहाँ पर जो टू प्लेसेस के नेम आर गिवन आरकान एंड इम्फाल इट इज़ आल्सो कॉल्ड आरकान आरकान एंड इम्फाल जो है वो दोनों बॉर्डर पर विक्ट्री सिक्योर की दोनों बॉर्डर उन्होंने जीत ली दोनों प्लेसेस उन्होंने जीत लिए लेटर ऑन द फौज वॉज़ फोर्सड टू रिट्रीट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई एंड हैवी रेन उसके बाद जो फोर्स थी उनको फोर्सफुली रिट्रीट होना पड़ा मतलब उनको वहाँ पर रुकना पड़ा वो आगे नहीं कैप्चर कर पाए या विक्ट्री ओवर कर पाए बिकॉज फूड की शॉर्टेज थी फूड सप्लाई की जब तक खाना है तो एनर्जी और एनर्जी है तो लड़ेंगे लेकिन अगर उसकी ही शॉर्टेज होने लगी एक टाइम बिना खाने के भी वो लोग लड़ तो लेंगे लेकिन कितने दिन ये वॉर या ये फाइटिंग ये फ्रीडम मूवमेंट वन टू डे की तो थी नहीं एंड सेकेंड रीज़न था हैवी रेन ईस्टर्न हिमालय हम लोग जानते हैं मेघालय में कितना रेनफॉल होता है ओके सर बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल एंड शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई उनको वहाँ से वापस जाना पड़ा अमेरिका ड्रॉप्ड द न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन जापान एंड जापान सरेंडेड अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसका एंड इसी से आया था कि अमेरिका ने जापान के टू सिटीज जो थे हिरोशिमा एंड नागासाकी, उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किए जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल जो थे जिनका वॉर से या इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं था वैसे लोगों की डेथ हो गई इवन वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो ड्रॉप किया था उसकी वजह से जो लैंड है वो बैरन हो चुकी है और उसकी इफ़ेक्ट आज भी वहाँ पर देखने को मिलती है इवन ये भी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जो जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ किया उसके बाद से वर्ल्ड पीस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई जिसका नेम है यू एन यूनाइटेड नेशन जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब पर टोटली totally बैन लगा दिया है कि उसकी परमिशन के बिना न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ कोई भी नहीं करेगा द रीज़न इज़ दैट कि वो बॉम्ब इतने डेडलीएस्ट है इतने डेंजरस है कि 1945 की बात हम लोग कर रहे हैं मीन्स बिफ़ोर इंडिपेंडेंस उसकी इफ़ेक्ट आज भी वहाँ पर है हमको फ्रीडम मिले इतने साल हो गए नियर अबाउट सेवेंटी थ्री ईयर्स उससे भी पहले मीन सेवेंटी फाइव ईयर्स हो गए उसकी इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलती है जापान में सो न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करने की वजह से जापान जो है वो इकोनॉमिकली कॉलेप्स हो चुका क्योंकि दो सिटीज पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई और आउटसाइड की सिटीज़ में भी उसकी इफ़ेक्ट दिखी और उसकी वजह से जापान जो है उसने सरेंडर कर दिया सरेंडर कर दिया मतलब कि उन्होंने वॉर का एंड ला दिया उन्होंने हार एक्सेप्ट कर ली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम हार गए अब वॉर एंड कर दो द डायनेमिक्स ऑफ द वॉर चेंज्ड देंज्ड एंड द फ्यूचर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज बिकम हैज़ी द डायनेमिक्स अब द वॉर चेंज द मतलब कि वॉर का जो सिनेरियो था अब तक जापान अमेरिका पर भारी पड़ रहा था क्योंकि जापान जर्मनी एक साइड था और जर्मनी तो पहले से स्ट्रांग है लेकिन ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ उसने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया अब अब तक क्या था कि जापान से हेल्प मिल रही थी जापान से हेल्प लेने के लिए तो मोहन सिंह से रिज़ाइन करवाया था मोहन सिंह ने रिज़ाइन किया था लेकिन अब जापान ही इकोनॉमिकली कॉलेप्स हो चुका वो ही पुअर कंडीशन में आ गया तो वो हमें हेल्प कैसे करेगा सो so, आज़ाद हिंद फौज का जो फ्यूचर था वो हैज़ी बन गया मतलब कि वो डिफ़िकल्ट होने लगा वो प्रॉब्लम में आ गया फोर थाउजेंड सोलजर्स डाइड एंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सोल्जर्स वर अरेस्टेड यू कैन सी योर हयर कि फोर थाउजेंड सोल्जर्स तो थे वो डाइड हो गए एंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सोल्जर्स मतलब टोटल ट्वेंटी नाइन सोल्जर्स हमने खो दिए बिकॉज़ वो ट्वेंटी फाइव भी अरेस्ट हुए थे तो वो भी जब तक फ्री नहीं हो जाते रिलीज नहीं हो जाते वो हमारे काम कैसे आएंगे बट हाँ फिर भी वो ब्रेवली हमारी कंट्री के लिए अपनी कंट्री के लिए लड़े नाउ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर दैट इज नेताजी हैड टेकन अ वाव दैट ही विल नॉट एंटर इन द सबजुकेटेड इंडिया नेताजी लेफ्ट रंगून एंड बैंकॉक एंड मूव्ड अहेड बाय एयर नेताजी जो थे उन्होंने वो शपथ जो लेते हैं वो ली के वो सब्जुगेटेड मतलब कि जिसके वहाँ पर किसी और का रूल है वो इंडिया में वो एंटर नहीं करेंगे वो इंडिया तभी आएंगे जब इंडिया फ्री होगा और इसीलिए वो रंगून एंड बैंकॉक चले गए आगे बाय एयर मतलब कि प्लेन से बाहर चले गए रंगून एंड बैंकॉक एज पर द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द जेपनीज़ गवर्नमेंट जेपनीज गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट पब्लिश की उसके अकॉर्डिंग हिज प्लेन दैट टुक ऑफ फ्रॉम ताइपे एयरपोर्ट ऑफ फॉरमोसा ऑन एटीन ऑगस्ट नाइनटीन फोटी फाइव क्रैशड एंड नेताजी बीग सीरियसली बॉन्ड कॉम्डेड टू डेथ जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया जैपनीज गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया उसके अंदर ये था कि अकॉर्डिंग टू दैट नेताजी जो थे जब वो ट्रैवलिंग के लिए निकले एटीन अगस्त 1945 को ताइपोर ताइपे एयरपोर्ट जो है फॉर्मोसा का फॉर्मोसा के ताइपे एयरपोर्ट से जब वो निकले उनका प्लेन टेक ऑफ हुआ वो आगे जाके क्रैश हो गया क्रैश हो गया हम लोग जानते हैं कि वो टूट जाता है टकराता है कुछ भी तो क्रैश हो गया और उसमें नेताजी सीरियसली बर्न हो गया मतलब बहुत बुरी तरह से जल गए कम टू डेथ इतने बुरी तरह से जल गए कि आफ्टर दैट उनकी डेथ हो गई वो जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई सो दिस वाज अबाउट द आजाद हिंद फौज एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनकी वजह से हमें फ्रीडम मिली है हम आज फ्री हैं सो बिकॉज ऑफ़ देम ओनली सो रिस्पेक्ट दिस फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट योर कंट्री ओनली ओके आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी वी कंप्लीटेड द चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट अनदर चैप्टर एंड यू विल गेट नोट्स ऑल्सो बाय ऑल थैंक यू